हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शोले में अपने चुलबुले और बातूनी अंदाज से लोगों के दिल में उतर जाने वाली हेमा मालिनी को बॉलीवुड का बहुत ही दिग्गज कलाकार माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में बहुत से बेहतरीन रोल किए हैं। फैंस हेमा मालिनी की एक्टिंग के साथ साथ उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं। लाखों दिलों पर राज करने वाली हेमा मालिनी कितना पढ़ी लिखी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। हेमा मालिनी की शुरुआती स्कूलिंग चेन्नई के आंध्र महिला सभा से हुई थी। हेमा मालिनी पढ़ाई में काफ़ी बेहतर स्टूडेंट थी। इसके बाद के उनकी पढ़ाई नई दिल्ली के तमिल एजुकेशनल एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। बचपन में ही हेमा मालिनी को फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था, इसी के चलते वह 12वीं तक की पढ़ाई नहीं कर सकी। हेमा मालिनी के पिता V.S.R. चक्रवर्ती तमिल फिल्मों के निर्माता थे, इसी के चलते उन्हें बचपन से ही फिल्मों से लगाव हो गया था। इसके बाद साल 1961 में काफ़ी कम उम्र में हेमा मालिनी को एक फिल्म में डांसर का रोल निभाने का मौका मिला। इस रोल को करने के बाद उन्होंने फिल्म में ही अपना कैरियर देख लिया। साल 1968 में उन्हें राज कपूर के साथ सपनों का सौदागर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद हेमा मालिनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हीं सब के चलते इस दिग्गज अभिनेत्री ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। हेमा मालिनी ने अपने करियर में ड्रीम गर्ल, शोले, सत्ते पे सत्ता और रजिया सुल्तान जैसी बहुत ही शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेर चुकी है। वह आज राजनीतिक में सक्रिय होने के साथ साथ फिल्मों में भी एक्टिव है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।